हेलो फ्रेंड्स yeah. मैं कुमार तेजस आप लोगों को इस लैब चैनल में स्वागत करता हूं तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा वीडियो के टाइटल से समझ ही गया था कि आज हम लोग ने क्या करने वाले हैं आज लोग पूरे जितने भी सी एच एस एल में ठीक है जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री के जितने भी मैथ में हमारे रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं या फिर आपको लग रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन है जितने मेरे पास भेजे गए हैं ठीक है उसके हम लोग सारे एनालिसिस करेंगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ एग्जामिनर ने गलती किया था ठीक है कहीं पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो कहीं के आंसर पर गड़बड़ी है इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या फिर जिसमें ऑब्जेक्शन आपको नहीं करना चाहिए ठीक है तो बिना देरी करते हुए आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं ठीक है तीके? जो हमारे क्या है जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से रिलेटेड वो लोग हम डिस्कस करेंगे ठीक है देख रहे हैं जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ना दिख रहे हैं क्या इंग्लिश में अगर नहीं दिख रही ना तो हिंदी में देख लीजिएगा ठीक है इंग्लिश में भी किसी ने हिंदी में भी भेजे थे तो हिंदी मतलब ट्राइंगल सिमिलर है और उनका परिमाप दिया गया चौसठ और छप्पन दिया गया है आई जे का लेंथ दिया गया सोलह तो निकालना किसका है आर एस का लेंथ निकालना है अब जब हमारा क्या दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वही क्या होता है उसका पेरीमीटर होता है ठीक है तो पेरीमीटर पर भुजा हो जाएगा क्या जाएगा इसी के रेशियो में रेशियो आठ रेशियो सात हो जाएगा ना बार में आठवार आठ बार में कट जाएगा बार में चौसठ ये अड़सठ छप्पन आठ रेशियो क्या हो गया इसका साइड हो गया भुजा हो गया ठीक है जिसमें क्या बोला गया था ना कि आईजे का लेंथ अगर ध्यान देंगे तो आईजे हमारा यहां है ठीक है तो आई जे ये हो गया तो आईजे वाला हमारा ये है इसका दिया गया है सोलह वैल्यू ठीक है सात का दिया गया है सोलह तो किसका बोला गया है निकालने के लिए आर एस का मतलब इसका ही निकालना है हमें ठीक है तो कभी हो सकता है क्या सात बराबर सोलह दिया गया हो तो आठ बराबर कितना होगा जब भी अगर पॉइंट में आएगा पर यहां वैल्यू दिया गया पूरा फुल वैल्यू में तो यहाँ गड़बड़ी क्या हुआ ना एग्जामर ने एग्जाम गड़बड़ी क्या कर दिया ना आर एस टी को यहां लिखना चाहिए था और आईजे के को यहां लिखना चाहिए था तब ये क्वेश्चन सही होता पर इसने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया इसको यहाँ लिख दिया इसको यहाँ कर दिया ये इंटरचेंज कर दिया जिसके कारण से क्या हो गया ये क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग कल लाएगा ठीक है इसका आंसर ये कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फोर्टीन कभी नहीं आएगा इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी हमारा है बहुत लोगों का ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन है से क्या दिया गया के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर इंटू के पावर फोर प्लस इंटू के पावर आठ प्लस प्लस सोलह तो इसको करने के लिए इस तरह क्वेश्चन हमने काफी बार देखा भी है सीखा भी किया भी है कैसे सोल्व करना है इसको है काफी आसान प्रोसेस है क्या बोले थे जैसे दिख रहा है ना यहाँ पावर फोर दिख रहा है टू दिख रहा है आठ दिख रहा है सोलह दिख रहा है मतलब क्या है? डबल डबल हो रहा है डबल कब होगा ए प्लस प्लस का साइन है ना ध्यान दे रहे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ठीक है फिर क्या हो रहा है ए के पावर फोर प्लस कि ए... अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या किया गया है ना कि जो के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर से, हाँ से गुना किया गया है और वही वैल्यू को के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया है अगर इसी नंबर में ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर से गुना कर दे और इसी नंबर में K² -1 K² से डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ऐसा करने से क्या हो जा रहा है ना अगर ध्यान नहीं, नहीं, नहीं क्या ए स्क्वायर माइनस एक बाई मतलब ए स्क्वायर इसको मान लेते बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको ले है, सकते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या जाएगा हमारा इस दोनों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा भाई लोग सॉरी मतलब क्या जाएगा k के पावर फोर माइनस वन बाई के के पावर फोर हो जाएगा ठीक है फिर k के पावर फोर और ये अगर ये दोनों कंबाइन किया जाए ध्यान देना है और फिर ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा k के पावर आठ माइनस क्या हो जाएगा k के पावर आठ हो जाएगा कलर ही नहीं चल रहा है ना ठीक है फिर उससे फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 16 हो जाएगा फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बत्तीस हो जाएगा मतलब के, 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 के का पावर बत्तीस प्लस क्या जाएगा वन बाई के का पावर बत्तीस के पावर बत्तीस प्लस वन बाई के का पावर बत्तीस कहाँ कहाँ दिख रहा है एक तो यहाँ दिख रहा है ये तो माइनस में ये तो नहीं होगा ये भी ये भी तो माइनस में होगा ना सॉरी के का पावर माइनस हो जाएगा तो ये तो दिख रहा है यहाँ यहाँ भी दिख रहा है चौंसठ तो होगा ही नहीं अब ध्यान दे रहे हैं आगे अब हमने यहाँ क्या किया था ना कि के स्क्वायर माइनस वन बाई के के स्क्वायर से भागा भी तो किया था ना तो इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा के के पावर बत्तीस माइनस क्या जाएगा के के पावर बत्तीस बटा क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस माइनस से किया था ना माइनस वन बाई के स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पर इसमें कहीं मैच नहीं कर रहा है तो आंसर हाँ तो ये दिया गया था अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाता है पर यह स्क्वायर नहीं दिया गया है ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं ये भी तो हमारा क्या है रॉन्ग ही क्वेश्चन है आंसर दिया गया है क्वेश्चन तो सही है पर आंसर हमारा रॉन्ग दिया गया है। अगर ध्यान देंगे के प्लस वन बाई के बराबर अगर माइनस थ्री दिया हो तो क्या बोल रहा है के के पावर छ प्लस वन बाई के क्यूब प्लस क्या के के पावर चार प्लस वन बाई के स्क्वायर अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो अगर सोल्व किया जाए तो इसको लिख सकते हैं ना अगर के के पावर थ्री अगर यहाँ से कॉमन ले लेते ले हैं तो के पावर थ्री के के पावर थ्री तो कट जाएगा ऊपर नीचे तो क्या बचेगा यहाँ पर के के पावर थ्री प्लस क्या होगा वन बाई के के पावर थ्री हो जाएगा से हैं क्या जाएगा? के का स्क्वायर कॉमन ले लेते ऊपर ऊपर से तो का स्क्वायर नीचे कट गया क्या बच जाएगा यहाँ पर के का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा वन बाई के का स्क्वायर हो जाएगा ये तो हो गया हमारा अब हम लोग जानते हैं क्या दिया रहता है कि हम लोग पढ़े हैं ना कि बाई एक्स, एक्स बराबर अगर के दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होता है के क्यूब माइनस थ्री के होता है हम लोग जानते हैं तो यहां रख देंगे ना ये इतना बराबर कितना दिया गया तीन दिया गया इसका ये हमको वैल्यू निकालना है क्यूब वाला क्या हमारा हमारा का का कितना तो थी है? स्यूं। स्यूं। है, स्यूं। है? का क्यूब क्यूब कितना ठीक है प्लस जाए तो हो जाएगा तो नौ प्लस हो गया आगे जब एक्स प्लस वन बराबर के दिया हो तो के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं के स्क्वायर जो इतना दिया है ना सॉरी वो एक्स है ना इसको एक्स मानते हैं एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा जा के स्क्वायर माइनस दो होता है फिर अभी हम यहाँ पर वही करेंगे माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना ज्यादा हमारा नौ हो जाएगा अब माइनस क्या करेंगे दो करेंगे इसको जोड़ देंगे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये अठारह हो गया अठारह में से सात जाएगा तो कितना जगह माइनस ग्यारह हो जाएगा जो कि ऑप्शन में ही नहीं था ठीक है तो ये हमारा क्या जाएगा रॉन्ग में हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा ये हो ही नहीं सकता है आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यह क्वेश्चन भेजा गया था जिसमें से क्या बोल रहा है ना इफ ए तो प्लस बी बराबर रूट बारह रूट आठ दिया जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं अगर इसको देखा जाएगा तो इसको हम क्या ले सकते हैं ना ए प्लस बी बराबर क्या ले सकते हैं थ्री टू तो रूट थ्री रूट बारह को लिख सकते हैं उसी तरह से ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा दो रूट दो हो जाएगा हो जाएगा ना अगला स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं कि यहां से अगर सोल्व करेंगे ना तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा आ, रूट तीन प्लस रूट दो हो जाएगा उसको सोल्व करेंगे उस ढंग से यहाँ पर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा क्योंकि है ना एक एक निकालने के क्या कर सकते हैं ना बी बी कट जाएगा हमारा तो दो दो बार हो जाएगा ना दो बार ये हो जाएगा दो बार ये होगा जुट जाएगा ना तो दो इधर कॉमन दो इधर कॉमन दो दो खत्म हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं बी बराबर क्या आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू हो जाएगा रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा अब ध्यान ए बराबर हमें क्या निकालना था ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होलो स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं यही होता है ना अब हम लिखना शुरू करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा पांच प्लस दो रूट हो जाएगा अब बी का स्क्वायर करेंगे तो पांच माइनस दो रूट छः हो जाएगा तो दो रूट छः दो रूट छः तो कटेगा प्लस माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा पाँच और पाँच बजे पाँच पाँच दस और दस, दस का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा सौ हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ना इसको अगर ध्यान देंगे तो दोनों होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तो तीन का स्क्वायर माइनस दो स्क्वायर एक हो जाएगा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा तो क्या जाएगा दो हो जाएगा तो सौ में से दो जाएगा तो कितना जाएगा अंठानवे आना चाहिए था पर इसने क्या दिया गया था नाइन्टी दिया गया नाइन्टी फोर दिया था पर जो कि ऑप्शन रॉन्ग है ठीक है ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन ही है ना इसमें क्या था ना कि हिंदी में कुछ और लिखा हुआ था इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ था ध्यान देंगे इंग्लिश में क्या बोल रहा था ना कि रेशियो निकालना किसका टोटल एक्सपेंस टू टोटल इनकम क्या बोला गया था एक्सपेंस से इनकम का रेशियो निकालना था पर यहां उल्टा बोल दिया था कभी बोल रहे थे आय का व्यय से बोल दिया गया था इनकम का एक्सपेंडिचर से रेशियो निकालने बोल दिया गया था ठीक है तो उस कंडीशन में क्या हो गया ना कि हमारा अब ये तो अगर हिंदी वाले बनाए होंगे हिंदी वाले बनाए होंगे तो उनका आंसर ये आया होगा सॉरी आया था ना हाँ ये आया होगा पर अगर इंग्लिश वाले बनाए होंगे तो आंसर उनका ये आया होगा अगर यहाँ पर भी अगर फोकस करेंगे ना ध्यान देंगे ना क्या बोला था आय बोला था तो अगर देखा जाए तो आय कभी भी वय से ज़्यादा नहीं हो सकता है अर्च से ज़्यादा तो नहीं होगा जब भी होगा हमारा आय ज़्यादा होगा तो ये हमारा यही होना चाहिए था हिंदी के हिसाब से पर एस एसवी बोलता है क्या बोलता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रूटी हो किसी भी तरह का अगर उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना तो आप इंग्लिश वाला को प्रिफेर कीजिए ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना ये हमारा सही हो सकता है इंग्लिश के हिसाब से ठीक है पर अगर देखा जाए अगर इसमें अगर बहुत सारे लोग अगर ऑब्जेक्शन करेंगे ना हिंदी को लेकर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अगर हिंदी में अगर ऑब्जेक्शन करेंगे ना हिंदी वाले लोग जो बच्चे हैं हमारे हैं जो स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि इनको नंबर मिल सकते हैं हिंदी वाले को जो हिंदी में भी सोल्व किए हैं पर जो इंग्लिश में सोल्व किए हैं उनका तो सही आंसर आया होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है पर जो हिंदी में सॉल्व किए हैं उनका आंसर गलत आ गया है तो मे बी आपको इसमें मार्क्स मिल सकता है कब जब मार्क्स अगर ऑब्जेक्शन किया जाएगा ना इस पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे हिंदी को लेकर के तो मे भी आपको इसमें नंबर मिल सकते हैं पर एसएससी बोलते हैं क्या कि इंग्लिश वाले को कंसीडर करेंगे कब जब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो हिंदी वाले में ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आगे चल रहा हूँ

ठीक है आगे बोला क्या विच टच इज सर्कल एट एक्स एंड वाई मतलब इसको इसको टच कर रहा है ये हा, ये हा। तो बोला रेस्पेक्टिवलीट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़े हैं ना कि कभी भी दो ट्रैंग दो सर्कल अगर इस तरह से टच करें बारी बारी ठीक है और उसके ऊपर डायरेक्ट टेंजेंट कॉम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया हो ठीक है और यहां से जो इसका एंगल जो बनता है ना वो एंगल हमेशा क्या होता है नाइन्टी डिग्री बनता है ये जो ट्रैंगल बनेगा एक्स वाई जेड क्या होगा ना वो हमेशा क्या हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रैंगल बनेगा ठीक है ये ना सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है सीजीएल प्री में भी आया था वहां क्या बोलते थे इसका एक एंगल दिया गया था और दूसरा एंगल पूछ रहा था तो हम लोग जानते ये नब्बे होता है तो अगर एक एंगल दिया रहेगा तो दूसरा एंगल निकालेंगे पर यहाँ पूछ क्या रहा है ना एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है हम मीटर गया धनरे ये हमारा हो गया ना क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो क्योंकि ये तो हमारा ये 90 हो गया ठीक है पर ये एंगल तो दिया ही नहीं गया तो हम लोग क्या करते हैं इसको ज्ञात नहीं कर सकते या तो फिर जैसे गया ना आइडेंटिकल सर्कल है मतलब दोनों एक जैसा है जब दोनों एक जैसा होगा तो मतलब ये, ये दो, दोनों भुजा बराबर होगा जब बराबर होगा तो कितना हमारा पैंतालीस डिग्री हो जाएगा इस हिसाब से ठीक है तो पैंतालीस भी नहीं था पर ये नब्बे डिग्री दे रहा है ना तो नब्बे डिग्री दे रहा रहे था, मतलब क्या कर रहा ना ये वाले एंगल के बारे में पूछ रहा था क्या रहा था एकस, वाई का क्या एंगल होगा एंगल एकस, वाई, के बारे में पूछ रहा था इसका एंगल क्या होना है? ये पूछना चाहिए था इसको अगर इसके आंसर के हिसाब से चलेंगे तो पूछना क्वेश्चन ये चाहिए था पर पूछ दिया गलती क्वेश्चन ये ठीक है तो एग्जामिनर पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा था पर हो भी सकते है ना गलती क्योंकि वो भी आदमी ही है क्वेश्चन सेट करने वाले इंसान से तो गलतियां होती है नो डाउट ठीक है तीसरा हमारा गलती वाले क्वेश्चन ठीक है और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको स्टूडेंट के लग रहे थे कि हमारे सही को, मतलब गलत क्वेश्चन आ गए हैं हमने सही बनाया है और आंसर गलत मिल गया है

ठीक है आगे परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है सोलह पाई सोला पाई दिया गया है परिवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है हम लोग जानते हैं कोई भी हो, कोई भी भी त्रिभुज सर्कल हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है इसका दिया गया क्या सोलह पाई दिया गया है ठीक है देख रहे पाई से पाई कट गया तो आर बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा चार आ जाएगा आगे चलते हैं तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल बोला गया था ना ये क्या आ गया परिवृत्त का त्रिज्या आ गया तो हम जानते हैं परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है तो परिवृत्त का त्रिज्या हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं पढ़े हैं हम लोग

आ जाएगा डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा दो आ गया तो हमारा ये क्या था ये सही आंसर था ठीक है एक स्टूडेंट के सीन भेजे थे कि ये सर क्या ये सही है जो आंसर दिया गया है उनके अकॉर्डिंग ये गलत आंसर था ठीक है आगे चल रहे हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन था जैसे क्या था बोला कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ठीक है इसमें क्या बोला गया था ना कि पी क्यू आर नाइनटी डिग्री ये पी है ये क्यू है ये आर है ये नाइन्टी डिग्री का है

ये हो गया क्या मान लीजिए बेस ये छह का स्क्वायर मैंने चार का स्क्वायर ये कितना हो हमारा छत्तीस में से सोलह जाएगा तो बीस तो आ जाएगा दो रोट पांच लिख सकते हैं ठीक है आगे चल रहे हैं। उसी टाइम से ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है ना तेरा नंबर क्वेश्चन बाय माइनस एक्स स्क्ड बाई क्या है पावर फोर ठीक क्या लिख देंगे ना वन प्लस एक्स हो गया ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है ठीक है गुना हो गया उलट जाएगा ना गुना होता तो उलट जाता है क्या वन माइनस एक्स का पावर फोर है तो ऊपर उप, ऊपर चला जाएगा अब इसको लिख सकते माइनस बी के होल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क् रूप में लिख सकते क्या था हमारा A ए प्लस बी इंटू ये माइनस बी तो इसको क्या ले सकते हैं को ए प्लस बी ये हो गया हमारा और इससे आ वन प्लस एक्स ये हो गया यहाँ तक का वैल्यू ये माइनस था माइनस लगा दिए ये क्या हो जाएगा हमारा हम ये देख रहे हैं इसको भी क्या ले सकते हैं ना तो गुना ही तो गुना ही कर तो करेंगे हम लोग करते हैं इसको इसको क्या ले सकते हैं उसी तरह वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि वन माइनस एक्स के पावर फोर का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यह हो गया गुना क्या दिया गया है वन वन बटा माइनस एक्स और यहाँ गुना है वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया अगला स्टेप में देखते हैं अब और हम देखेंगे तो वन प्लस एक्स यहाँ है वन प्लस एक्स यहाँ है कट जाएगा दोनों ठीक है, है यह क्या देख रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ ये कट जाएगा काटते चलेंगे ये देख रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है सारा कट जाएगा अब कोई कटेगा अब कोई नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस में या माइनस में नहीं कटेगा अब सबको गुना करके लिखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से सिर्फ बच गया क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या बच गया ये माइनस है ना <ufenck> वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स बटा क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ये हो गया एलसीएम ले लेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे ध्यान देंगे तो क्या जाएगा हमारा वन माइनस एक्स हो जाएगा गुना कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा अगर गुना करेंगे तो देख रहे हैं क्या इसमें ये नंबर गुना हो जाएगा एलसीएम करने का यही तरीका होता है ना और इसमें गुना करेंगे देख रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा ये और ये नंबर दोनों में क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा जब कॉमन आएगा तो एक ही बार लिख लेते हैं नहीं पर फटाफट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर यहाँ पर ये बचेगा बच सिर्फ क्या था वन माइनस एक्स था ये e माइनस था ये e माइनस इससे भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाला प्लस हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अब देख रहे थे आगे एक से एक कट जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा ना तो अगर इसको बाहर अगर लिखे देंगे यहाँ माइनस टू एक्स अगर लिखेंगे तो देखा माइनस तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में ठीक है ये तो कभी नहीं हो सकता है ये तो कभी नहीं हो सकता है अब ये दोनों पर, पर फोकस करेंगे तो ये दोनों पर फोकस करेंगे ना तो क्या आएगा ऊपर में ऊपर में हमारा क्या आ गया माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया वन माइनस एक्स आ गया ठीक है अब हम यहां से कट सकते ना अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते ले तो माइनस कॉमन ले लेते ले तो क्या हो जाता हमारा ये एक्स माइनस वन आ जाता उलट जाता है ना एक्स माइनस वन हो जाता है माइनस कॉमन ले लिए थे ये माइनस से माइनस से दोनों कट जाता तो उसके हिसाब से हमारा क्या होता है यही हमारा क्या होता राइट आंसर हो जाता देखिए मिला लीजिए आ रहा है ना ये भी क्वेश्चन क्या था सही था तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में जो लोगों को लग रहे थे सी एच एस एल में कि कुछ सही है उनके तो कुछ गलत है जो गलत क्वेश्चन थे उनको मैंने सारे करवा दिया है और जो सही क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैंने करवा दिया जितने भी डाउट्स थे आपके जितने भी आपने भेजे थे मैंने सारे आपको करवा दिया आप लोगों ने बहुत कम ही डाउट्स भेजे हो सकता है कि बहुत ही कम क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे पर कुछ कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे ठीक है तो कोई बात नहीं अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर मैच हो रहे हैं अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं इसके पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा इनका पीडीएफ देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा से यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं ना आप टेलीग्राम पर जा करके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिए क्या क्या कौन से कौन से आपके क्वेश्चन मैच हो रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है अगर वो गलत हो सकता है अगर इसमें से गलत आंसर आए हैं तो आप उसको ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिएगा ठीक है तो आज का सेशन हम लोग इतने रखते हैं जो हमारा क्या था जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे सी एच एस एल में फिर मिलेंगे अगले सेशन से में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय